दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज आ सकता है फैसला। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। 2 जून के बाद कोर्ट ने 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। लैंड फॉर जॉब मामले में आज लालू प्रसाद यादव सहित अन्य के खिलाफ आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने 6 मार्च को दाखिल की थी तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। पीएम मोदी ने यूपी सीएम योगी के जन्मदिन पर की पोस्ट। लंबी और हेल्दी जिंदगी की कामना की। लिखा यूपी के विकास और गरीबों के उत्थान को समर्पित है सीएम योगी। स्पेक्ट्रम नीलामी पर सरकार का फैसला। नीलामी को 25 जून तक टाला। जौनपुर के खेतासराय पुलिस थाना इलाके में एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश प्रशांत उर्फ प्रिंस ढेर। 9 MM के 2 असलहे और बाइक बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर के जंगल में लगी आग। भट्टा दुरियान के जंगल तेजी से फैल रही है आग। बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। महाराष्ट्र के नासिक में वायुसेना का सुखोई लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। दोनों पायलट सुरक्षित। मुंबई के दादर समेत कई इलाकों में हुई बारिश। तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत। मुंबई में बारिश से कई हिस्सों में जलभराव। माटुंगा में सड़कों पर भरा पानी। लोगों को हो रही परेशानी। डेनमार्क के राजदूत फ्रेंडी स्वेन ने दिल्ली में किया प्लांटेशन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर लगाया पौधा। आइसलैंड में 1 हफ्ते से धधक रहा है ज्वालामुखी। लगातार खौलता लावा नदी की धारा की तरह बह रहा। फिलीपींस का कनला ओन ज्वालामुखी हुआ सक्रिय। राख और धुएं का गुबार 3 मील तक फैला। अमेरिका के हवाई द्वीप में फिर फटा ज्वालामुखी। किलाउआ की धधकती आग ने बढ़ाई चिंता। 5 साल पहले 700 घरों को किया था तबाह। चीन में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। लेवल 4 की इमरजेंसी लागू। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश की आशंका। सैन फ्रांसिस्को के जंगल में लगी भीषण आग। हजारों एकड़ में फैले घास के मैदान नष्ट। टीम इंडिया आज करेगी T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत। आयरलैंड से होगा मुकाबला। न्यूयॉर्क में रात 8 बजे से मैच। राहुल द्रविड़ को लेकर रोहित शर्मा का बयान। कहा राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच बने रहने के लिए मनाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड की जीत। नेपाल को 6 विकेट से हराया। नेपाल ने दिया 107 रन का टारगेट। नीदरलैंड ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य किया हासिल। टिम प्रिंगल बने प्लेयर ऑफ द मैच। बारिश की भेंट चढ़ा इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड मैच। दोनों टीमों को मिले 1-1 अंक।